दोस्तों बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, इस बीच एक अच्छी खबर आई है। देखिए बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि वीजा सख्ती लागू रहेगी। आपको बता होगा इस बार स्वतंत्रता दिवस पर भी पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के साथ हिंसा को लेकर चिंता जताई थी और सुरक्षा का जिक्र किया था। ठीक इसके अगले ही दिन मोहम्मद यूनुस का फोन आ गया। अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और आइए सिलसिलेवार देखते हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। जैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पीएम ने चिंता व्यक्त की तो खबर पहुंच गई बांग्लादेश तक और तुरंत मोहम्मद यूनुस ने अपना फोन निकाला, नंबर डायल किए और घुमा दिया पीएम नरेंद्र मोदी को फोन। और फोन पर सबसे पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेटफॉर्म के जरिए दी है, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर जीओबी एंड एक्सचेंज्ड व्यूज ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। अभी इसी महीने 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर की कमान संभाली थी। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद 8 अगस्त को उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी, क्योंकि बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री तो शेख हसीना तो भागकर भारत आ गई, अभी भारत में ही बैठी हुई है वो। तो बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी उसके प्रमुख के रूप में यूनुस ने शपथ ली। उन्होंने शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने और भारत आने के बाद ये बांग्लादेश की कमान संभाली है। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर सरकार के खिलाफ जो घातक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट छात्र छात्राएं, लेकिन यही विरोध प्रदर्शन पूरे देशव्यापी हड़ताल आंदोलन का रूप ले लिए और देश में अशांति फैल गई। बांग्लादेश के हालातों पर तो आपको पता ही होगा कि माहौल क्या चल रहा है। इधर हमारे भारत में भी देश भर में कई राज्यों में बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार से ये बार बार मांग भी की गई कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच सरकार कोई अच्छे सख्त कदम उठाए। तो आज ये राहत भरी खबर आई है। कल ही मैंने आपको बताया था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा, मुसीबत में मदद करना हमारी परंपरा है और भारत पर अपनी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले का राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में विरोध देखा गया। जयपुर समेत कई जिलों में अभी दो दिन पहले बाजार भी बंद रहे थे, जन आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं लोग बाग। ना सिर्फ हमारे देश के राज्यों में बल्कि दोस्तों दुनिया भर में कई जगहों पर कई देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध प्रदर्शन देखा गया। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में भी ये प्रदर्शन हुआ। हजारों हिंदू तो सड़क पर उतरे दुनिया भर से, लेकिन ईसाई और यहूदी भी समर्थन में थे, जो कि एक अच्छी बात है। सभी कम्युनिटी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सपोर्ट करना चाहिए, रहना चाहिए, राइट। बहरहाल अब हम उम्मीद करते हैं कि आज जो ये बांग्लादेश से टेलीफोन आया इसके बाद वहाँ के हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगी बांग्लादेशी सरकार और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा खत्म होगी, तो ये एक अच्छी बात होगी। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।